नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी आपको दिखाऊंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा रिच खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, हमें थोड़ा सा हल्का खाने का मन होता है। तो चलिए, मैं आपको अंडा करी बहुत ही कम मसाले में आपको बना के दिखाऊंगी। पहले मैंने यहाँ पर जो है आलू को बीच से कट कर लिया है। बहुत बड़े साइज के आलू नहीं है, थोड़े छोटे साइज के आलू है। मैंने यहाँ पर आलू को कट कर लिया है। अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और मैंने इसमें 3 तेज पत्ते, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा और 2 दालचीनी और 3 इलायची, ये हमको ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पर पाउडर यूज़ नहीं किया है क्योंकि पाउडर यूज़ करने ये थोड़ा रिच हो जाता है, इसलिए हमने इसमें साबुत यूज़ किए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर जो आलू जो मैंने कट करके रखा है वो आलू मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और अच्छे से मैं इसको फ्राई कर लूँगी जब तक कि ये गोल्डन रेड गोल्डन कलर का ना हो जाए। तो हमें ये थोड़े अच्छे से फ्राई करने होंगे। हमारे घर में आलू के बिना कोई सब्जी खाना नहीं चाहता है, इसलिए मैं यहाँ पर आलू का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको बिना आलू के बनाने हैं तो आप बिना आलू के भी बना सकते हो। अब हम एक मसाला बनाएंगे जिसमें मैंने एक प्याज को छोटे टुकड़े में कट कर लिया है, अदरक जो मैंने छोटे टुकड़े में कट कर लिया है और लहसुन और मिर्च। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उस अनुसार आप मिर्च डाल सकते हो। अगर आप कम खाते हो तो आप कम डालिएगा। उसके बाद हमें इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। अब आलू भून चुके हैं, मैं इसमें जो हमने मसाले बना के रखे हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ही मसाला है। अब हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है जिससे कि इसके अंदर कच्चापन ना रहे, ये अच्छे से पक जाए। हमें अच्छे से इसको फ्राई करते रहना है। अब हम इसमें कुछ टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक टमाटर को कट कर लिया है और उसके बीज जो है वो हमने निकाल लिए हैं। अब हम इसको जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इसको फ्राई करने होंगे। यहाँ पर देखिए टमाटर जो है थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर करीबन 1 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच जीरा पाउडर, सॉरी 1 चम्मच जीरा पाउडर दे के हमें थोड़े अच्छे से इसको फ्राई कर लेने हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज्यादा पानी हमको इसमें इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ा सा अभी हम पानी नहीं डालेंगे, अभी थोड़ा सा पानी दे के हमें इसे ढक के कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तब तक मैं इसमें क्या करूँ, मैंने यहाँ पर ऑमलेट पहले से बना के रखा है। अगर आपको ऑमलेट नहीं पसंद है, आप अगर उबला हुआ अंडा खाते हो तो आप उसमें उबला हुआ अंडा भी दे सकते हो। मैं क्योंकि हमारे घर में ऑमलेट जो है सबको पसंद है ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑमलेट से बनाया है। तो मैंने यहाँ पर 10 मिनट जो है आलू को ढक के पकाया है जिससे कि मसाले जो है वो अच्छे से पक जाए। उसके बाद ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी को, ये जो हमने पानी देके हमको थोड़ा सा अच्छे से इसको उबलने के लिए देना है। और मैंने यहाँ पर हरी मिर्च बीच से कट करके मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। जब ये थोड़ा सा अच्छे से उबल जाए पानी, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने अंडे का जो ऑमलेट बना के रखा है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके हमें बस 2 मिनट के लिए फिर से ढक के रखना है। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाता है खाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियोस आप देख सकें। देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है बनके, बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, बिल्कुल लाइट है। तो दोस्तों, आज मैं यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ, तब तक